दोस्तों आज हम पावर बैंक में सेट करने वाले हैं इमरजेंसी लाइट। दोस्तों पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक किट है पावर बैंक का, इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से थे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से निकल जाता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पर कट करके और जगह को खाली कर लिया है। खाली करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर बैटरी लेना होगा। देख सकते हैं यहाँ से 1200 mAh का बैटरी है। तो हम इसे प्लस और एक माइनस है, तो इसमें से हम प्लस में से दो बार निकालेंगे, हम माइनस में से दो बार निकाल लेंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे दो को प्लस के बाहर निकाल लिए हैं, दो को माइनस के बाहर निकाल लिए हैं। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसे, अब ये रहा मेरा चार्जर, चार्जर का है किट, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए हम इसमें से यहाँ पे से निकाल लिए हैं। और निकालने के बाद यहाँ पर मेरा प्लस का है लेग और ये मेरा माइनस का है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर पहले सोल्ड कर देंगे। तो ये मेरा प्लस है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है। तो हम यहाँ पे पहले सॉल्ड कर देंगे। देखिए यहाँ पे इसी से यहाँ पे इसे इस तरह से सॉल्ड कर देना होगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेड है, जो एलईडी है जो बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसे यहाँ पे सबसे पहले प्लस वाला में डायोड को लगा देना होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4007 के डायोड है। तो ब्लैक आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक है, जो इस तरफ सोल्ड कर देना होगा यहाँ पे, और इसे यहाँ पे कर देना होगा और माइनस वाला को माइनस में। तो चलिए हम कट कर आप लोग के दिखाते हैं आगे चल कर। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे वायर को सोल्ड कर दिया है। आप देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एलईडी है जो ग्लो नहीं कर रहा है, ये देखिए। दोस्तों आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर चार्जर जो था हम इसे यहाँ पर से इस तरह लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पर बार है जो हमारा छोटा पड़ जाएगा, तो हम इसे पहले सोल्डिंग से हटा देंगे। हटाने के बाद ये बार है जो हम यहाँ पे बड़ा वाला बार दे लिए हैं और इसे हम यहाँ पे सोल्ड कर देंगे। चलिए हम यहाँ पे फिर से बायर को इसे सोल्ड कर दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पर से बायर को निकाल लिए हैं, दो गो बड़ा बड़ा। अब हम एक वायर को यहाँ पर जोड़ेंगे यहाँ पर, और एक वायर को यहाँ पर जोड़ेंगे यहाँ पर एक वायर को यहाँ पे, एक वायर को यहाँ पे। चलिए हम जोड़कर आप लोग के दिखाते हैं आगे चलकर। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे इसे सोल्ड कर दिए हैं, ये देखिए। अब हम इसे पावर बैंक में सेट कर देंगे इस तरह से थी। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम इस तरह से इसे सेट कर दिए हैं। सेट करने के बाद एक प्लस का वायर है, माइनस का वायर है, जो हम यहाँ पर से निकाल देंगे इस होल दिया में है। फिर बाद में इसका कवर है, कवर को हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से थी। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम पावर बैंक का कवर लगा दिए हैं यहाँ पे, और हम इसे यहाँ पर सेट कर देंगे इस तरह से थी। इस तरह से हम यहाँ पे 50 से चिपका देंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे इसे चिपका दिए हैं 50 से सही तरह से। अब हम इसे यहाँ पर एक LED सेट करेंगे यहाँ पे LED सेट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे LED ले लिए हैं, ये देखिए। दोस्तों हम LED को इस तरह से पहले सरिया लेंगे। सरियाने के बाद प्लस वाला एक तरफ, माइनस वाला एक तरफ कर यहाँ पर इस तरह से पैर को पहले छील लेना होगा। छीलने के बाद इसे लफेर कर यहाँ पर इस तरह से सोल्ड कर देना होगा पूरा में। दोस्तों आप लोग को इस तरह से बल्ब को सोल्ड कर देना होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरफ पर जो लेग देख रहे हैं और माइनस का है, इस तरफ लेग देख रहे हैं और प्लस का है। तो हम यहाँ पर इस तरह से इसे रख देंगे। दोस्तों इसे 50 से नहीं चिपकाना है, अगर 50 से चिपकाएगा तो गर्म होता है, तो 50 जो गमकने लगता है। तो हम इस तरह से पहले एक यहाँ पर देख सकते हैं वायर है जो प्लस माइनस का। तो ये हमारा प्लस का वायर है, ये माइनस का वायर है। तो हम इसे पहले एक प्लस वाला वायर को यहाँ पर सोल्ड कर देंगे और माइनस वाला वायर को यहाँ पर सोल्ड कर देंगे। दोस्तों यह बड़ा वायर हो रहा है, यहाँ पे कट कर करके सोल्ड कर देंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर माइनस वाला वायर को सोल्ड कर दिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप ढीला हो गया है। तो यहाँ पे वायर को सिर्फ फेविक्विक से चिपका देना होगा, सिर्फ वायर को इस तरह से थे यहाँ पे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे वायर को चिपका दिए हैं, ये देखिए। अब हम ये वायर है जो प्लस वाला लेग में सोल्ड कर देना होगा यहाँ पे। तो ये बड़ा वायर हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे कट करके सोल्ड कर देना होगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे सोल्ड कर दिए हैं। अब सोल्ड करने के बाद
हमारा एलईडी के जो कैप रहता है यहाँ पर इसे लगा देना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सोल्डिंग आयरन से इस तरह से गहरा कर देना होगा यहाँ पर इसे लगाने के लिए इस तरह से, और इसे फिपकेक से फिर चिपका देना होगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे चिपका दिए इसे फिपकेक से, तब इसे हम जला के देखते हैं बढ़ता है नहीं। जो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वर्किंग कर रहा है, ये देखिए इस तरह से थे। हम इसे अब चार्ज करके देखते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एलईडी जो ग्लो कर रहा है, ये देखिए रेड रंग में। दोस्तों वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और साथ में बेल आइकन दबा दिया। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।